केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल और प्रदर्शन का दौर थमता नहीं दिख रहा। इस बीच कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा और युवा नेता कन्हैया कुमार ने आर्मी भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला है। प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे नीतियां बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। नोटबंदी में 50 दिन में 60 बार आपने परिवर्तन किया नीति में, 50 दिन में 60 बार। जीएसटी आप ले आए बिना सोचे समझे, 10 महीने में 376 चेंजेस इन जीएसटी इन 10 मंथ्स। यह बताता है आपको कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार किस तरह से नीतियां लाती है और सबके साथ खिलवाड़ करती है। जो काले कानून लाए थे वो एक साल तक आप जिद पे अड़े रहे, फिर आपको पीछे हटना पड़ा। सीएए 2.5 साल पहले आप लाए, आज तक आप नियम नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक दिन सुबह उठे और थोप दी एक नीति। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग परिवर्तन आ चुके हैं, अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो आप सबके माध्यम से हम फिर से गुजारिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पहली बात, बिना सोचे समझे नीतियां थोप कर लोगों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। तो जहां एक तरफ कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जो हो रहा है ठीक नहीं है, देश में आग लगी है और ये आग बढ़ती जाएगी। भारतीय सेना के, भारतीय सभी तीनों सेना दलों का ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है तो चल रहा है, पूरे देश में आग लगी। देश में मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार की ओर से रियायत देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने 4 साल देश सेवा करने के बाद अग्निवीरों के लिए अपने विभागों में आरक्षण देने की घोषणा की है। साथ ही बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम फैला रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ युवाओं के हित में है, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए, एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रदर्शन कर रहे युवाओं को भ्रमित ना होने की सलाह दी है। अग्निपथ, अग्निवीर, ये योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, मैं युवाओं से कहूंगा दिग्भ्रमित ना हो। एक आदमी को सेना में लेना था, हमने 3 आदमी एडिशनल लिया है और ये 3 4 साल में 10वीं पास। जब सेना का ट्रेनिंग लेंगे तो पैरा मिलिट्री में भी 10% का रिजर्व कर दिया गया, राज्य पुलिस में भी उनकी नियुक्ति होगी, रेडी टू एम्प्लॉयमेंट वो होंगे। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश, युवाओं को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बीते मंगलवार को केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था, जिसके विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष जहां सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि इस योजना से देश के युवाओं को लाभ मिलेगा। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे।